हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से पार्ट 5, और पार्ट 5 में हम देखेंगे क्वेश्चंस को और कैसे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अपना सकते हैं, क्या कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप अपना सकते हैं। छोटी छोटी बातें अगर आप उनको ध्यान में रखें तो आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और सिंप्लीफिकेशन का जो एक हवा है वो भी आपके दिमाग से निकलेगा। ठीक है, करना सब कुछ आपको ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई आपको ऐसा मंत्र नहीं बता सकता है जिसको आप फॉलो करिए तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं अगर ध्यान में रखते हैं तो आसानी थोड़ी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यही बस प्रयास है। पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक प्रॉब्लम के साथ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे ये आप समझ पाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाकी के जो 4 पार्ट हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर में लिंक दूंगा मैं, उस पर आप जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप देखेंगे सारे पार्ट्स तो आपको अच्छा लगेगा और प्रॉब्लम्स जो है उनके ऊपर आपकी जो पकड़ है मजबूत होगी। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत फेमस है आने के लिए आपके एग्ज़ाम में। 88% ऑफ 3680 प्लस 135% ऑफ 2600 माइनस 280% ऑफ 65, कहेंगे आपको इसका आंसर निकालना है क्या होगा। तो जहाँ भी परसेंटेज ऑफ वाली बात रहती है आपको पता है वहाँ पे गुणा करना है। तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि 88% का मतलब 88/100 इंटू में 3680 प्लस 135% का मतलब 135/100 इंटू में 2600 माइनस में 280% का मतलब 280/100 इंटू में 65। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, आप चाहे इसको काट लीजिए 44 हो जाएगा, 5 बचेगा। अब 5 से चाहे 368 को काट लीजिए, चाहे 44 को काट लीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है आगे चल के कुछ सॉल्व हो सकता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये 2600 है, 2 जीरो यहाँ का कट जाएगा, 26 गुणे अब 135 करना है, यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो 2 बार जाएगा, ये 13 बार जाएगा, 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हैं प्रॉब्लम्स। अब आप यहाँ से अगर चाहें तो आप इसको काट सकते हैं, 368 अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 5 × 6 = 30, पूरा का पूरा कट जाएगा 5 से। अब 73.6 × 44, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से हो गई, 44 × 73.6 प्लस 135 × 26 माइनस 14 × 13। अब ये आपको कन्वर्ट करना है। अब 13 और 14 का गुणा तो आसान है, 26 और 135 का गुणा आप कह सकते हैं आसान है, थोड़ा सा अगर थोड़ी सी टेबल आती है, 26 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 130 मिलेगा, 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 78 मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। ये वाला गुणा आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, 44 का गुणा 73.6 करेंगे तो टोटल आपको टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा, तो इस तरीके को आप फॉलो ना करिए, मैं कहूँगा इसको फॉलो ना करके दूसरा तरीका फॉलो करिए। वो क्या है कि आप 88% की वैल्यू निकालिए कि 3680 में 88% की वैल्यू क्या है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं उस वैल्यू को, तो आप कहिए कि 88% को हम 100 − 12% अगर लिखें तो क्या गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी तो है नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑफ 3680 यही तो लिखा है। अब 100% कितना होगा 3680 का, तो वो 3680 ही हो जाएगा। 12% घटाना है तो 12% आप डायरेक्ट नहीं घटाइए, आप इसको 10 + 2 कर सकते हैं कि नहीं, तो आप पहले 10% घटाइए। 10% क्या निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है, 368 केवल लिखेंगे। 2% निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है, 1% कितना होगा 36.80, 36 को 2 बार आप गुणा करिए 72 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, तो कितना हो जाएगा 73.6, तो ये हो गया 73.6। तो हमने गुणा में ना कन्वर्ट करके इसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लिया। ये करना थोड़ा सा कठिन, टिपिकल, ज़्यादा समय ले सकता है, गलती होने के चांसेस हैं। ये करना थोड़ा सा आसान होता है, हमारे दिमाग को लगता है कि जोड़ो घटाना तो आसान होता है, ये दिमाग पर प्रेशर डालता है ये तो कठिन है, पॉइंट भी लगा हुआ है और कठिन लग जाता है। ठीक है, तो अपने दिमाग पे आप प्रेशर थोड़ा कम डालिए। इसी तरह 135% आपको करना है तो आप क्या करिए, इसको 100 + 35% कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कितने का 2600 का। और 35% को भी आप 30 + 5% कर लीजिए, बहुत आसान है करना है इसको। 100% किसी भी नंबर का कितना हो जाएगा, तो वही होगा, मतलब 2600 होगा, प्लस 30% आप निकालिए 2600 का कितना हो जाएगा, 26 × 3 होगा 78, मतलब कितना हो जाएगा 780, प्लस 5% निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है, 50% 2600 का कितना होगा 1300,
देखिए आपको यहीं पे बताता हूँ मैं, किसी भी नंबर का 5% 0.5% निकालना है तो बड़ा आसान है, आप केवल उसका 50% की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे इसका 50% कितना हो जाएगा, तो इसका 50% हो जाएगा 1300। अब मैं कहूँ 5% निकालना आसान है, तो बिल्कुल आसान है। 5% का मतलब क्या हुआ, 10 बस काट दीजिए यहाँ का, कितना हो जाएगा 130। मैं कहूँ 0.5% निकालना, ये भी हटा दीजिए, ये कितना हो गया 13। मतलब काटने का मतलब जीरो अगर नहीं होगा तो क्या करना है, आपको दशमलव लगाना है। जैसे यहाँ पे दशमलव वाली बात है कि दशमलव अब यहाँ पे 1300 था, अगर मैंने 5% कहा है तो ये जो दशमलव है ये उठ करके यहाँ से इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, 1300.0 हो जाएगा, तो ये 130 बचेगा। फिर यही दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 13 बचेगा। तो बस वही आपको करना है। तो यहाँ पे इसका 5% कितना हो जाएगा, देखिए अभी हमने निकाला तो कितना था 130, तो ये आ गया 130। माइनस में आपको क्या करना है, 280% ऑफ 65। तो परसेंट वाला मैटर यहाँ नहीं है कि 65 का आपको 280% निकालना है, बस आपको करना क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 300 माइनस 20% कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 65% ऑफ 280 कर लीजिए। दोनों में कोई बुराई नहीं है, परसेंट चाहे यहाँ पे लगे चाहे यहाँ पे लगे, बीच में अगर गुणा या ऑफ का साइन है तो कोई बुराई नहीं है। तो आप 65% निकाल लीजिए 280 का। 65% निकालना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। करना क्या है आपको, बस 50 + 10 + 5%, यही करना है। ना तो 50% निकालना कठिन है, ना तो 10, ना तो 5%, तो दिक्कत की क्या बात है। 280 का 50% कितना होगा 140, माइनस में 10% कितना होगा 28 हो जाएगा, और 5% कितना होगा, इसका एक जीरो हटा दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस में 14। पूरे सवाल को जो गुणा में था उसको हमने, गुणा भाग में था उसको हमने सिंपल प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, इनको आप जो माइनस वाला है उसको आप एक साथ जोड़ लीजिए, जो प्लस वाला है उसको आप एक साथ जोड़ लीजिए, आपको आंसर मिल गया। अब देखिए जोड़ना भी कैसे है, जैसे 2600 है, ये 780 है, 130 है, इन दोनों को आप जोड़िए, 700 108 और 80 और 30 110, कितना हो जाएगा 910। 910 को आप 2600 में जोड़िए, 2600 में 900 जोड़ेंगे 3500, ये 10 और जोड़ दीजिए, कितना गया 3510। यहाँ पे प्लस में कितना है 3680, तो 3680 और 3510 अगर मैं ऐड कर दूँ तो कितना मिल जाएगा, 6511 3367 7190 मिला। अब माइनस वाले को ऐड कर लीजिए, 28 - 14 कितना हो जाएगा 42, दोनों को ऐड करेंगे 42, और 140 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182 यहाँ पे, और ये क्या है 368। अगर आप 368 में 182 आप ऐड करिए, बड़ा आसान है, देखिए 8 2 10 8 6 14 14 1 15, ये हो गया 3 1 4 4 1 5 हो गया 550। इसमें आप 73.6 और ऐड कर दीजिए, ये हो गया 3 7 5 12, और ये कितना हो गया 623.6। तो आपको करना क्या है, 7190 में से 623.6 केवल घटाना है, 7190 में से 623.6 घटाना है। पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, जीरो बढ़ेगा, घटाएंगे ये आ जाएगा 4। तो अब आप ये मत सोचिए, पुराने प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे 0.4 अगर आ जाता था तो हम टिक कर लेते थे, देखते थे कहाँ 0.4 आ रहा है। अब सारे ही देखिए ऑप्शन में आपको 0.4 मिल रहा है, तो आप यहाँ से शॉर्टकट नहीं कर सकते कि आपका आंसर कौन सा होगा। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा कर ये कह सकते हैं कि 7000 में से अगर केवल 600 घटा रहे हैं तो उसका आंसर 200, तो 2000 तो मिलेगा नहीं, 1000 भी तो मिलेगा नहीं, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, इतना आप कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे देखिए तो तीनों में ही 6 आ रहे हैं, कौन सा होगा अभी नहीं पता है। फिर यहाँ पे देखिए 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो कितना गया 66। तो अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे केवल 66 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन भी आपके चले जाते हैं। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ही आपके सामने बचता है, इसको आप आंसर की तरह टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है। अगर पांचवा वाला ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तब आपके लिए डिफिकल्टी थोड़ी सी और क्या बढ़ती, कि आपको आगे भी चेक करना पड़ता, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक मैच करो आगे वाले डिजिट नहीं मैच करे। तो आगे भी देख लीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए तो यहाँ पे बचेगा 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6566.4, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय आप बचा सकते थे। तो आपको अब देखना है आप इस तरीके को फॉलो करते हैं या फिर इस तरीके को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा नीचे वाले तरीके को लेकर के, लेकिन बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इसको एक तरीके से और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपको यही छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की अगर रिलेशनशिप पता है तो उससे आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व कर सकते थे कि 88% जो लिखा हुआ है इसको आप 87.5 + 0.5% लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा तोड़ दिया है मैंने, तो 87.5 और 0.5 को अगर ऐड करेंगे 88% ही मिलेगा, लेकिन 87.5% जो है
इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 7/8 होता है। अब आपको क्या करना है, 7/8 निकालना है किसका, 3680 का। 8 से काटिए, 8 6 32, 8 6 48, 7 से गुणा करिए, 7 6 42, 7 6 28 और 4 32 कितना गया, 3220। और 0.5% आप निकाल लीजिए किसका, 3680 का, वही आपको ऐड कर देना है। 3680 का 0.5 बताया अभी कैसे, 50% केवल निकालिए इसका, 50% कितना आ जाएगा 3680 का, तो 1840 हो जाएगा। अब 0.5% आपको निकालना है, मतलब दशमलव को दो अंक बाद यहाँ पे मैं लगा दूँ तो 18.4 आ गया, तो वही बस यहाँ पे ऐड कर दूँ 18.4, ये कितना हो जाएगा 4, ये 8, ये 3, ये 2, ये कितना गया 3238.4 आ गया इसका आंसर। 88% कितना गया, 3238.4 डायरेक्ट आंसर मिला। इतना जो हमने किया है इसका डायरेक्ट एक बार में आंसर मिला है 3238.4। इसी तरह 135% जो है इसको हम 150-15% कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15% निकाल लेते हैं तो 150% निकालना आसान है, वही आपको करना है, मतलब एक वैल्यू हुई आपको केवल गुणा करनी है और कुछ नहीं करना। तो अगर मैं 2600 का 15% निकालूं तो 15 6 90 कितना हो जाएगा 0, 15 2 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 3900, कितना 150%, और घटाऊं कितना 15%, तो 15% घटा रहा हूं मतलब एक जीरो हटा दूं, इसमें से 390 केवल घटा लूं तो कितना हो जाएगा 0 होगा, ये एक बचेगा, ये कितना बचेगा 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये कितना गया 3510, जो कि यहां पे हमने निकाला था इतने सबको जोड़ करके 3510। तो देखिए एक एक वैल्यू आ गई यहां पे कितना गया 3510, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये तो आसान ही था, ये 65% निकालना, ये हमने निकाल के देखा था कितना आया था, तो ये आया था 182। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते थे, इन दोनों को आप ऐड करते और उसमें 182 घटाते तो भी आपको सेम आंसर ही मिलने वाला था। तो तीन तरीके मैंने बताए एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तरीका आप देखते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि एक क्वेश्चन में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तभी आप समझ सकते हैं और स्पीड अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें गुणा आपको करना रहता है, भाग करना रहता है, पॉइंट वगैरह नहीं रहता है, क्वेश्चन मार्क का आपको बताना रहता है इसकी जगह पे क्या आएगा, दूसरी तरफ भी कुछ वैल्यूज आपको लिखी हुई मिल जाती हैं। तो इसको कैसे करना है, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको बॉड मास रूल को थोड़ा बहुत फॉलो करना आना चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना है। तो उसमें कहता है कि सबसे पहले आप भाग करिए, गुणा करिए, उसके बाद प्लस और माइनस करिए, ये आपको पता है। तो हम सबसे पहले जैसे यहाँ पे है तो इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा करें और इसको हमको भाग करना है, सबसे पहले इनको भाग करके देखते हैं, फिर वही बात आपकी गुणे में हो जाती है, ठीक है, वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो अब 44 × 56 को अगर गुणा करना है तो आप कहेंगे इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं, तो इसमें भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। कौन सा, a²-b² वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। स्पीड मैथ की वीडियो की प्लेलिस्ट आप जा करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो 44 × 56 करना है, कैसे कर सकते हैं, देखिए 50 में से 44 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50-4, ठीक है, सॉरी 50-6 ये लिख सकता हूँ, और 56 को क्या लिख सकता हूँ दूसरे ब्रैकेट में, 50+6, यही तो है a-b a+b, ये होता क्या है 50² - 6² देखिए कितना आसान हो गया। 50² आप सबको पता है कितना होता है 2500, 6² कितना होता है 3600, ये आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, ये केवल दिमाग में करना है। 50² 2500, 6² 3600, 2500 में से 3600 अगर आप घटाएंगे, मतलब 100 में से अगर आप 36 घटाते हैं तो बचता कितना है 64 बचता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 2464। देखिए मुंह जवानी आपको इसका आंसर मिल गया कितना 2464, बस और कुछ नहीं करना, छोटे से तरीके आप फॉलो करिए, छोटे छोटे आपको बड़े आसानी से आंसर मिलेंगे और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जैसे है ये कितना है, देखिए ये मैंने इसका आंसर निकाल लिया, अब ये जैसे है तो यहाँ पे आप कहिए 121, मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, गुणे में क्या है 372 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 682 है, तो 682 मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसको आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें, अभी मैं इक्वल के पार नहीं गया हूँ, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें किससे कट सकता है, तो ये 121 है तो 121 11 से कटता है, हम सबको पता है, तो एक बार आप चेक करके देखिए नीचे वाला कहीं 11 से कट सकता है क्या, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं।
तो हम अगर चेक करके देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 11 बार कट गया 121, नीचे देखिए 11 छः 66, 2 बचता है 11 दुनी 22, पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसानी हुई। अब 62 है, ऊपर क्या है 672 है, 2 से अगर मैं कट करूँ तो ये 31 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, ठीक है। ये 31 है, ये 186 है, अब 31 और किससे कटता है, और तो किसी दो से कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अगर आप 6 का गुणा करते हैं, 6 कम 6 छतियाँ 18, तो पूरा का पूरा ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये 6 बार में पूरा कट गया। तो 11 गुणे 6 इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 66, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना आना चाहिए कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ दी हुई हैं अगर आप उनको पहचान रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज जो दी हैं उनको थोड़ा सा पहचान रहे हैं, किससे गुणा हो रहे हैं, किसके मल्टीपल हैं वो, तो आसानी होती है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं इक्वल के इधर वाले पे आ जाऊँ, क्वेश्चन मार्क माइनस में, इसको मैं कहूँ ये 560 है, गुणे में कितना है 1680 है, और डिवाइडेड बाई कितना है 80 है, 0 से 0 काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, देखिए पूरा का पूरा वैसे ही कट गया। अब आपको 560 गुणे 21 ही करना है और कुछ करने की बात नहीं है। तो ये गुणा करना क्या आसान है या फिर कठिन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप इसको ले रहे हैं। मैं इसको लेता हूँ 20 प्लस 1 करके, तो अब ये मेरे लिए आसान है। क्यों, 560 को मैं 20 से गुणा करूं या फिर 56 गुणे 2 करूं, तो ये मेरे लिए आसान है करना। कितना आता है ये, तो ये आ जाएगा कितना 112 आता है, 2 जीरो लगे हुए, तो 2 जीरो और आगे बढ़ा दूंगा, प्लस में 560 और ऐड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये आ गया कितना 507, ये आ गया 11708, इतना करना था बस मुझे, और कुछ नहीं करना था इसमें। बड़े आसानी से यहाँ पे आंसर मुझे मिल गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, तो ये साइन है माइनस का, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू माइनस में इस तरफ आएगी, इक्वल के दूसरी तरफ आएगी, तो क्या हो जाएगी प्लस में। तो आपको करना क्या है, 2464 में पहले 66 आप ऐड कर लीजिए, फिर उसमें 11760 भी ऐड कर लीजिए, इतना ही करना है। तो देखिए ऐड करिए कितना हो जाएगा, 6410, 6612, 113 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2530। अब इसमें आपको और ऐड क्या ऐड करना है, 11000 कितना, 11760 ऐड करना है, 0639 7512, 2131 4, और ये आ गया 14290। कौन सा आंसर सही हो गया, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो बिना किसी, अब इसमें किसी भी स्टेप में आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, इतने फुल प्रूफ स्टेप हैं, कहीं भी गुणे में गड़बड़ी नहीं हो सकती, जोड़ने घटाने में तो होती ही नहीं है ज़्यादातर। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, 560 गुणे 21 अगर आप करते गुणा करेंगे तो हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो कहीं गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। ये मेरे तरीके, मैं मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ, मैंने अपने ईजाद किए हुए नहीं है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने में या भाग करने में गुणा करने में। तो आप भी थोड़ा सा अपने रुख को इस तरफ मोड़ेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर एक जगह जो ऑपरेशन होता है वो प्लस का ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, मतलब चारों ही ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर अगर आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस ही होगा। तो सिंपल सीधी बात यह है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जैसा हमने सीखा हुआ है। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करें प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे कर सकते हैं, 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 27, और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29, तो लिखेंगे 29 बटे में 9 प्लस, अब 4 को 4 में गुणा करेंगे 16 होगा, 7 जोड़ेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 23, तो ये हम लिखेंगे 23 बटे में 4, फिर क्या है गुणा, फिर आ रहा है 23 गुणे 4 कितना हो जाएगा 92, 92 प्लस 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 96, तो हो जाएगा 96 अपॉन में 23। अब ये जो डिवाइड वाला है इसको क्या करना है, इसको आप देखिए, और यहाँ भी आप ऐसे ही समझिए कि अगर फ्रैक्शन वाले अगर कट सकते हैं तो उनको काट लीजिए। आप ऐसे करेंगे 16 पंचे 80 प्लस 8 88, आप अगर यहीं पे कैंसिल आउट करिए 8 दूनी 16, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा नंबर, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 11 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 11/2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2/11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस में 9 गुणे 6 54 प्लस 1 55, ये कितना हो जाएगा 55/9। अब आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कर लीजिए, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता है,
यहाँ पे देखिए तो 23 से 23 डायरेक्ट कट गया, 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 हो गया, 11 से तो कटेगा नहीं कुछ। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं केवल फ्रैक्शन में रह जाती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप उनको गुणा कर लीजिए। 24 गुणे दो करेंगे कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 29/9 प्लस 48/11। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 55/9। अब क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करिए कैसे कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 99, 9 इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम्स में, 11 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 99, 11 2 22 9 31, 319 प्लस 11 × 9 यहाँ पे करेंगे तो 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का गुणा 48 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 72 कितना हो जाएगा 7, 9 4 36 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 432 प्लस यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे 11 होगा, 11 को 55 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 55 55 5 कितना हो जाएगा 60, कितना गया 605। ऐड कर लीजिए इसको, ऐसे देखिए 6 4 10 10 3 1300 1300 ये हो गया सीधा सीधा। 19 में 32 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 51 और 5 56, कितना गया 1356 बटे में कितना गया 99। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, लेकिन ये 1256 है जो कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया। आप सोचेंगे कहीं 1256/99 ये आंसर तो नहीं है, तो लेकिन आप फिर रीचेक करेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, जबकि आंसर नहीं है। 1156/9 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। 456/11, अब ये देखिए 456/11 है, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई किया गया होगा तभी तो नीचे 11 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे 452/33 है, सिंप्लीफाई करेंगे तब आ सकता है। 1056/99, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो दो ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, तो सिंप्लीफाई करके देखें हो रहा है क्या। 3 से तो 3 4 12, 1 बचेगा 3 5 15, 3 2 6 बटे में 3 3 9 3 3 9, 452/33, तो इतना हमको मिल गया, तो डी वाला आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको रहे वो हमेशा एकदम सिंप्लीफाइड वे में, सिंप्लीफाई फॉर्म में ही रहे कि एकदम आखिरी छोर पे ही जा करके कट जाए। अगर यहाँ पे 1356/99 होता और ये डी वाला ऑप्शन नहीं होता, तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही होता। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे इस प्रॉब्लम को करना है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चौथे क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम देख करके थोड़ा सा कठिन लगती हैं, देखने में कठिन लगती हैं, होती नहीं है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, ब्रैकेट्स कहाँ पे हैं, किसके बीच में क्या ऑपरेशन लग रहा है, इतना आप ध्यान रखते हैं आपके लिए प्रॉब्लम आसान है। जैसे इसको देखिए क्या है, 256 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, तो वो आ जाएगा 16। तो आप इस पूरे को काट करके यहाँ पे लिख सकते हैं 16। इसी तरह 16 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 4 का। तो आप इस पूरे को काट करके इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 और इसकी पावर 1/2। अब आपको पता है कि अगर ये इस तरीके से लिखा रहे अंडर रूट में 4, या फिर इसको यहाँ पे 4 नहीं होगा, अंडर रूट में 4, या फिर इसको 1/2 ऐसे लिखेंगे, बात दोनों की क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे 1/2 पावर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2। तो मतलब इस पूरे का आंसर कितना आता है, तो वो आ रहा है 2। बस इतना ही करना है, और क्या करना है। गुणे में यहाँ पे कितना देखिए, 484 किसका स्क्वायर होता है, 484 ये तो पता होगा किसका होता है, 22 का। फिर गुणे में यहाँ पे क्या लिखा, 29,791 और लिखा हुआ है √3, मतलब क्या है इसका, क्यूब रूट। अगर ये 1/2 है तो स्क्वायर रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो 791 किसका क्यूब होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक यहाँ से गिनेंगे, स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 किसके क्यूब में आता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि 1 जो है वो किसके क्यूब में आता है, तो आपको समझ में आएगा, 1 1 के क्यूब में आता है, तो वो हम लिख दिए, 1 स्क्वायर की तरह तो है नहीं, 1 के क्यूब में आता है। फिर यहाँ वाला जो नंबर है देखिए, किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो छोटा वाला लेंगे तो आ जाएगा 31। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये हमको परफेक्ट क्यूब ही दिया रहता है, ज़्यादातर एग्जाम में यही होता है। अप्रोक्सीमेशन का अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये आपको परफेक्ट क्यूब में ही दिया रहेगा, तो ये 31 का क्यूब हो जाएगा। अगर ये निकालना आता है तो आपका काफ़ी समय बच जाता है। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइडेड बाई 3844 और इसकी पावर क्या है, 1/2, मतलब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 3844 ये आपका 3600 से ऊपर है, मतलब 60 से ऊपर है। ठीक है, तो किसका ये स्क्वायर रूट हो सकता है, तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 44, आखिरी में क्या है, 4, तो ये 2 का भी हो सकता है स्क्वायर हो, आखिरी में 2 आ सकता है, या फिर आखिरी में क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। फिर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए
60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। तो ये 60 के पास का ही कोई नंबर है, 3844। तो 8 वाला तो भूल ही जाइए, क्यों 68 हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 38 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 6×6=36, 7×7=49। छोटा वाला लेंगे ये आ जाएगा कितना, 62। तो किसका स्क्वायर है यहाँ पे, 62 का, तो डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 62। और यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क की पावर क्या है, 1/3। ध्यान रखिएगा इसकी जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 31 दूनी क्या हो गया, 62। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 22। ठीक है, क्या बचता है, 22। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या है, x की पावर 1/3 बराबर में क्या आ गया है, 22। आपके सामने पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 22, ज़्यादातर लोग टिक करेंगे जबकि आंसर नहीं है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1/3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 का क्यूब हो जाएगा। तो 22 का क्यूब आपको निकालना है, क्या होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको 22 का क्यूब याद नहीं है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। ये तो आपको पता है, इसमें 22 का गुणा और कर दीजिए, चाहे आप 22 से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, चाहे 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2×4 8, 2×8 16, 2×4 8 है, कितना हो जाएगा, 9। और यही जो 968 है ये हम नीचे उतार लेते हैं, 8×8=14, 9×6=15, 15×1=16, 9×1=10, 10648। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखिए 22 भी दिया है, 44 भी दिया है, 484 भी दिया है, सारे 22 से रिलेटेड दिया हुआ है, लेकिन सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 10648, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, खासतौर पर अगर मैं करता हूँ तो मुझसे बहुत गलतियाँ होती थी पहले, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट वाले सवाल रहते हैं, प्लस और माइनस करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक होती थी। और अगर आप ऑप्शंस को देखें तो काफ़ी पास पास के ऑप्शन आपको मिलेंगे, सबके आखिरी में 3 है, तो आप केवल आखिरी डिजिट को लेकर के आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। मान लीजिए अगर 7 वाला आंसर सही होगा तो कौन सा सही होगा, 73 73, यहाँ पे 273, यहाँ पे 273, तो बड़े क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब पुराने जो सवाल थे वो अब काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे इसमें क्या ट्रिक हो सकती है, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं हो सकती, आप सही कह रहे हैं, केवल प्लस और माइनस ही करना है, तो इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है। लेकिन आपको एक लंप सम अगर आंसर चाहिए तो वो आपको यहाँ से पता चल सकता है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। कैसे, आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा आंसर हो सकता है इसका, तो आप केवल पॉइंट के पहले वाले टर्म्स को अगर ऐड करिए, देखिए पॉइंट लगाओ इसलिए काफ़ी खतरनाक सा दिख रहा है, तो बिना पॉइंट लगे अगर देखें तो ये लिखा हुआ 51, 51 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 54, 54 में 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 155, इतना ही तो होगा, ठीक है, तो कितना हो गया, 155। इतनी बात आपको समझ में आती है, घटाना इसमें से क्या है, 16 और 8, 8×14 मतलब 24, मतलब 155 में से आपको 24 घटाना है, ये एक होगा, ये 3 होगा, ये एक होगा, 131 के आसपास आपको आंसर मिल रहा है। इससे थोड़ा सा या तो कम होगा या तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि केवल पॉइंट का फर्क है और कुछ नहीं है, मतलब या तो 130 हो सकता है, 129 हो सकता है, या तो 131 या 132 हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं 136 ऑप्शन नहीं हो सकता, 142 नहीं हो सकता, 138 नहीं हो सकता, या तो सी वाला होगा या तो ई वाला होगा। देखिए कितने आपके यहाँ पे टाइम बच जाता है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने के चांसेस अब बहुत कम है, आपको पता है दो ऑप्शन में से कोई एक है। तो अगर बहुत जल्दी में है, 10 सेकंड आपके सामने बचे हुए हैं, तो कहते हैं ना कि तुक्का मार के आ सकते हैं, तो इस तरीके तुक्का मत मारिए, कोई भी मार दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके पास अगर 10 सेकंड बचे हैं, आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है, कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, उसको देख करके आप सी और ई में से एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 50-50% यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है, वरना आपको क्या करना है, इतना तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, पॉइंट वाले आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ये क्या है, 4213, ये क्या है, 121 है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 1210, इसको कह सकते हैं 101, बस इनको आप ऐड करिए, 4213 है, ये कितना है, 1210 है, और ये कितना है, 0101 है, करिए कितना हो गया, 4 ये 2 2 2 4 1 5, ये कितना हो गया, 5524, घटा दीजिए इसमें कितना, 404 है, और ये क्या है, 4040 कहेंगे इसको, क्योंकि इस टर्म में हम ले रहे हैं, तो 5211 में से 4040 पहले इसको ऐड कर लीजिए, एक आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये कितना आ रहा है देखिए, तो ये माइनस वाला देखिए दशमलव का अंक ज़्यादा आ रहा है प्लस वाले से, इसका मतलब क्या होगा, 131 से नीचे वाला आंसर होगा, 130 या तो 129, तो आप घटाइए, अगर आप घटाते हैं 9251 में से 5524, तो क्या आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा।
तो आपको क्या करना है, 131.0000 में से 0.3727 को घटा लेना है। 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 7 गया, अब 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 6273। यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए कह रहा हूँ आजकल चालाकी ज़्यादा हो रही है, एग्जामिनर आपसे बहुत कैलकुलेट कराना चाह रहा है आंसर, इसीलिए इस तरह आपको ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक जब चला गया था तो यहाँ पे जीरो बचा था, तो ये 130.26273 ये इसका सही ऑप्शन होगा, कौन सा वाला, ई वाला। तो इसको टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एक करके, वैसे जो बताया हुआ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो सबको आता है। मैंने आपको एक थोड़ा सा ये नया अप्रोच ये बताया, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो कि एक आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, उसके आधार पर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फिर आपके लिए निकालना आसान रहता है, फिर आप कन्फ्यूज नहीं रहते कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 273 इतना दशमलव कुछ नहीं, आप एक मोटा मोटा हिसाब ले लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कम से कम गलत वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, 200 500 700, 7 और 6 कितना हो गया 1300 ये हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये क्या है, 74 है और ये क्या है 73 है, अगर 75-75 करते हैं तो कितना होता है 150, ठीक है 150 होता है, लेकिन यहाँ पे दो कम है यहाँ पे एक कम है, तो ये कितना हो जाएगा 147 होगा, ठीक है। तो आप 1300 में 147 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1447, इतनी बात, और यहाँ पे 46 और जोड़ दीजिए तो आप 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87693, मतलब 1493 लगभग एक मोटा हिसाब यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं कि 6 3 9 9 और 4 13 और यहाँ पे बचेगा 3, वैसे करके भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ 1493, इसमें से घटाना कितना है 893 के लगभग घटाना है, तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा, लगभग 600 के आसपास इसका आंसर आएगा, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को आप छोड़ दीजिए तो, ठीक है 600 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये 591 तो नहीं हो सकता, 601 हो सकता है, 230 नहीं हो सकता, 985 नहीं हो सकता, 236 नहीं हो सकता। देखिए कुछ नहीं करना था इसमें, पांच ऑप्शन दिए थे मैंने, कोई बात कैलकुलेट नहीं की, कुछ नहीं किया, केवल मैंने अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला और वहाँ से मुझे ऑप्शन मिल गया 601.23 इसका सही ऑप्शन है, और आगे मैं कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, यही टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो मेथड्स हैं, छोटी छोटी बातें अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ भी, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं औरों से आगे रहना चाहते हैं तो, ठीक है मेरे ख्याल से समझ में आया। अब जिनको लग रहा हो कि पता नहीं सही आंसर है कि नहीं है, तो एक बार वो कैलकुलेट करके खुद से ही देख सकते हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप केवल दशमलव वाले अंक को ले लीजिए, कितना है 241, ये कितना हो जाएगा, इसको 910 कहेंगे, फिर 293 आप इनको ऐड करिए, 3 1 4 9 1 10 4 14, यहाँ पे एक बचेगा 9 2 11 2 13 13 1 14, 1444 आ गया। इसमें से हम क्या घटा दें, 161 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और ये 1 बचा, तो ये कितना बचा 1.213। तो हमने एस्टिमेट निकाला था 600, इसमें से 1.283 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 601.283, यही आंसर तो मिला। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है अप्रोच आप कैसे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अब सातवें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम जब आप देखते हैं एग्ज़ाम में तो डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, बस आपको थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन की जो टेबल होती है उसको थोड़ा सा देख करके रखिए, या फिर आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशनशिप होती है, तो आपको बहुत आसानी होगी इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रैक करने में। स्पेशली इसीलिए प्रॉब्लम को मैंने बनाया हुआ है, जैसे 756 का आपको निकालना है 114.28%, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100+14.28% में, इसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं, ऑफ 756। अब आप कहेंगे 100% निकालना तो बहुत आसान है, 756 ही होगा, लेकिन 14.28% निकालना आसान नहीं है, जबकि ये भी आसान है। थोड़ा सा अगर आपको पता हो कि 14.28% को आप 1/7 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है कि 1/7 बस इसका निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 7 1 7 7 8 56, तो क्या हो जाएगा 108। कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं इस पे कि 14.28 के आगे भी 5 3 2 कुछ ऐसा रहता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। तो इतना आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आएगा, जैसे इसको आप ऐड करेंगे तो 756 में 100 जोड़ेंगे 856, 8 जोड़ेंगे 864, तो ये आपको 864 आंसर मिलेगा,
एकदम एग्जैक्ट अगर आप जाएंगे तो 863.982 ऐसे आंसर मिलेगा। दोनों में मेरे ख्याल से कोई माइन्यूट सा डिफरेंस और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो 864 ये आपको आंसर मिलता है। तो ये आपके लिए कितना आसान हो गया, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक इसी तरह ये क्या है, 27 सही 3/11% है 2794 का, तो ये निकालना कठिन हो सकता है। तो कैसे आप इसको आसान कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11% के, तो ये क्या है 27 सही 3/11%, तो वही है कि यहाँ पे 3/11 कर दिया मतलब 3 का गुणा किया है तो 27 सही 3/11% है। तो मतलब इसके जगह पे अगर मैं केवल 3/11 लिखूँ फ्रैक्शन के टर्म पे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, 2794 गुणे में 3/11 सॉल्व कर लीजिए, 11 × 2 = 22 कितनी बार जाएगा, 11 × 5 = 55 फिर क्या हो गया 11 × 4 = 44 ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 3 से गुणा करिए, 254 को 3 से गुणा करना मेरे ख्याल से कोई कठिन काम तो है नहीं, 762 आ जाएगा। कैसे, 25 × 3 = 75 मतलब 750, 4 × 3 = 12 ऐड कर दीजिए, 750 में 12 762 आ गया, ठीक है। माइनस हो रहा है क्या 902 का, 18 सही 2/11%, 18 सही 2/11% का मतलब क्या है, केवल 2/11 मैं इसका निकाल लूँ, किसका 902 का, ठीक है। तो इसका मैं केवल 2/11 निकाल लूँ, क्या हो जाएगा 11 × 88 11 × 2 = 22 82 × 2 कितना हो जाएगा 164, माइनस में क्या कर लूँगा 164, बराबर में यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क इनटू में 2/5 ये आपको दिया गया है। तो इतना अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इस वैल्यू को इधर लेके आना है 5/2 करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसमें कोई कठिनाई होती है क्या। तो 8 × 7 = 15 हो जाएगा 1500, 6 × 6 = 12 मतलब 120, 1500 में 120 जोड़ेंगे 1620 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 कितना गया 1626, माइनस में 164 करना है तो आप यहाँ पे ऐसे करके 164 माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1626 में से 100 घटाइए 1526, 60 घटाइए 1466, 4 घटाइए 1462 आंसर मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस वैल्यू को इधर आप लाइए तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 35 से कितना हो जाएगा 36, कितना गया 36, 3655 कौन सा ऑप्शन सही हुआ देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, 55 यहाँ भी आखिरी में था, तो अगर आप केवल 2 डिजिट निकाल के सोचते तो भी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको अगर थोड़ा सा भी पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। चलिए आठवां सवाल देखते हैं, आठवां सवाल भी काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है 22.22%, आखिरी में भी 77.77% और बीच में मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यूज दी गई हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे केवल प्लस माइनस है तो हमको पता है ट्रेडिशनल तरीका, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का क्या किया जाए, अगर आप 100 करके करेंगे तो बड़ा आपको टाइम लग सकता है, अगर आप इसको डायरेक्ट कहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में तो आपके लिए आसान हो जाता। तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है और आपको पता है कि 1/9 जो भाग होता है उसको हम लिखते हैं 11 सही 1/9% के, या फिर कह लीजिए आप इसी को लिख सकते हैं 11.11%, ठीक है, 1/9 करेंगे तो 1% ही आएगा। तो अगर 1/9 का मतलब ये है तो 2/9 का मतलब क्या होगा 22.22%, इसी तरह 7/9 का मतलब क्या हो जाएगा 77.77%। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कह सकते हैं कि इनको हम 2/9 लिख दें, बाकी की जो वैल्यूज़ हैं उसको आप वैसे ही रख सकते हैं, 35 सही 14/27 प्लस 14 सही 11/18 प्लस 25 सही 2/9 माइनस में ये क्या हो गया 7/9। अब आप वही कर लीजिए, हम ब्रैकेट में रख लें किसको 35, 14 और 25 को, एक ब्रैकेट में रखते हैं 35, ये क्या हो गया 14 और ये 25, और दूसरे ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं 2/9, यहाँ पे अगर आप देखिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगे 2/9 यहाँ भी है 2/9 यहाँ भी है, जब 25 अलग हो गया तो इसको अगर आप ऐड कर दीजिए तो एक साथ ही क्या बन जाएगा 4/9, तो हम वही लिख देते हैं, प्लस में 14/27 फिर क्या है प्लस में 11/18 और माइनस में ये तो इंक्लूड हो गया है माइनस में 7/9, इसको ऐड करिए 25 और 35 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और ये 14 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 74, कहीं कहीं पे 74 भी आंसर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना का, 9, 27, 18 और फिर से 9 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 54 आएगा, ठीक है, जो 27 से भी कट जाएगा, 18 से भी, और 9 से तो कट ही जाएगा, 9 छक 54 होगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, 27 दूनी 54, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 18 तियाँ 54 और ये कितना हो जाएगा 33, माइनस में ये क्या हो जाएगा, 9 छक 54 और 6 होगा 7 छक 42, कितना हो गया 42। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, इसको अगर आप ऐड करेंगे 24 और 28 को तो ये कितना हो जाएगा 32 में 20 जोड़ेंगे 52, ठीक है, 52 में से 42 आप घटा लीजिए कितना बचेगा 10 और 10 में 33 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43, सही, ये कितना हो गया 54, ये तो कटने से रहा और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाले से छोटी भी है तो और कुछ तो होगा नहीं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, देखिए तो सी वाला 74 सही, 43 होटे 54 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरीके से निकाला और यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई होना नहीं है, ठीक है। बाकी रही बात कि कैसे जल्दी कर सकते हैं, क्या ट्रिक है इसकी, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर आपको करना आता है तो आसान हो जाएगी प्रॉब्लम आपको करने के लिए, ठीक है। थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम इस तरह की आपने हो सकता है पहली बार देखी हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ पावर वाली प्रॉब्लम्स हम देख लें, जैसे इस तरह, अच्छा एक ये प्रॉब्लम देखिए, बड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम है, 9वीं जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हैं अंडर रूट 448, अंडर रूट 252, अंडर रूट 1008 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 7 छोटा लिखा इंटू में क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 700, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और आपको पता है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है नहीं, पहली बात अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ लिखी होंगी सबके अंडर रूट परफेक्ट होने चाहिए, तभी तो आंसर निकलेगा। लेकिन अगर अंडर रूट परफेक्ट होंगे नहीं तो आप आंसर निकालेंगे कैसे, जबकि यहाँ पे देखिए 448 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 484 होता है, 441 होता है, ठीक है, लेकिन 484 और 441 के बीच में 448 किसी बीच का नंबर का होगा, तो वो तो आपको निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम रहे तो आप इसको ये सोचिए कि 448 का मतलब यहाँ पे कुछ गुणा हो करके ऐसी वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको देखिए कि आप किसी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं क्या इसको, तो आप एक काम क्या करिए कि 448 को, जिसको हम कहते हैं, इसको हम यहाँ पे फैक्टराइज अगर कर लें, 2 से अगर काटिए 2 दो नीचार 2 दो नीचार 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए 1 1 फिर ये क्या हो गया 2, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 2 दो नीचार 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए ये 14 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए 7 होगा, फिर यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर पेयर देखने को मिले, 1 2 का मिला 1 2 का मिला, कितने पेयर मिल गए 2, यहाँ पे 3 पेयर मिल गए 2 के, मतलब ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ तक क्या है ये 8 × 7 ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इसको अगर आप लिखेंगे एक अंडर रूट के अंदर क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 ऐसे लिखेंगे, तो इसमें कितने 2 बाहर जा सकते हैं, 1 2 और 3, 3 2 बाहर जा सकते हैं, मतलब इसका क्या है 8 बाहर चला जाएगा, अंडर रूट में क्या बचा रहेगा 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 8√7। आपको बस इतना छोटा सा हिंट लेना है कि यहाँ पे क्या बचा है 7 बचा है, इसका मतलब 252 भी कहीं ना कहीं इसी 7 के टर्म में ही आ रहा होगा, तो आप 252 को डायरेक्ट 7 से काट करके देखिए कट रहा है क्या, 7 × 21 हो गया, कितना बचा 4, 7 × 42 देखिए कितना गया 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया 7। इसी तरह 1008 हुआ, 1008 को भी आप 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 × 7 कितना बचा 3, 7 × 2 यहाँ पे 7 × 4 = 28 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से 7 × 28 कितना हो गया 144 हुआ, और यहाँ पे 7 का डिवाइड हो रहा था, मतलब 144 किसका स्क्वायर था 12 का, तो 12 बाहर और ये अंडर रूट 7 अंदर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट लेना, एक में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि पता नहीं रहेगा कि किससे गुणा हो रहा है किससे नहीं हो रहा है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे 7 है तो उसको 7 ही रखिए, गुणे में क्वेश्चन मार्क को एक्स रखता हूँ, और डिवाइडेड बाई ये 700 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10√7, क्योंकि अंदर जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है, सब जगह रूट 7 है तो आगे वाले नंबर जोड़ सकते हैं, 8 × 6 = 14 और 12 कितना हो जाएगा 26√7, और यहाँ पे देखिए क्या है रूट 7 है, रूट 7 इसको कितनी बार में कट कर सकता है, रूट 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या हुआ रूट 7 एक्स अपॉन में 10, रूट 7 से रूट 7 कट गया, 10 का गुणा इधर हुआ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 260, ये इसकी क्या होगी वैल्यू 260। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ई वाला इसका सही ऑप्शन होगा, 260 इसका करेक्ट आंसर है।
तो कैसे करना है, जब आपको पूरा ना दिया रहे, परफेक्ट स्क्वायर ना दिया रहे, तो घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस तरीके से कन्वर्ट करिए, आसानी से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये 10 प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक प्रॉब्लम दूसरे से भिन्न है और हर एक नया टाइप आपको समझ में आ रहा है। चलिए 10वीं प्रॉब्लम देखते हैं, पावर वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पावर वाली प्रॉब्लम्स में घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको कन्वर्ट करना, वैल्यूज़ को आना चाहिए, बस इतना करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जनरली पूछा जाता है किसी भी नंबर की पावर कितनी होगी ना, यहाँ पे जैसे 5 लिखा रहेगा और उसकी पावर पूछी जाएगी, या फिर 5×7 लिखा रहेगा उसकी पावर पूछी जाएगी। यहाँ पे क्या है कि पावर लिखी हुई है 24.68, इसका बेस क्या होगी वैल्यू, वो आपको निकालना है। ठीक है, इसको भी देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे 2.25×4 है, तो अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4×8 25×4 कितना होगा, 100 होगा। 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 9×3.75 ये वैल्यू लिखी हुई है। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये क्या है, 3×2। 3×2 का मतलब क्या हो गया, 9। और ये क्या है, ये भी 9 का क्या है, स्क्वायर ही है। ठीक है, ये 81 का मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 9 का स्क्वायर गुणे 9, मतलब ये क्या हो गया, 9×3 और इस पूरे की पावर 4.85 ये लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, मतलब ये कह रहा है 6561/9 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए कि ये होगा कितना। तो अगर आप 9 से काटें इसको, कितनी बार जाएगा देखिए, तो इसको कितनी बार जाएंगे, 9×7=63 होगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9×2=18 होगा, ये 26 है ना, 9×2=18 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 26 रहेगा तो 8 बचेगा तो 81 होगा, 9×9=81, 729 बार में कट गया। अब आपको 729 पता होगा क्या होता है, अगर आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो 9 का क्यूब होता है 729, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी गई है, 9 का क्यूब। ठीक है, तो ये किसके डिवाइड में आ रहा है, इस वैल्यू के डिवाइड में आ रहा है। तो आप चाहें तो इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको मैं अगर आगे लिख दूं कि 9 का क्यूब और इसका क्या है, स्क्वायर है, मतलब 9×6 लिखा गया है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके रखना चाहें तो ये क्या है, 9×3.75 गुणे में, यहाँ पे पावर का गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 9 की पावर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 3×5=15, 1 बचेगा, 3×8=24, 1 25, 2 बचेगा, 3×12=14, कितना आ जाएगा, 14.55। और ये जो पावर है डिवाइड किससे हो रही है, 3×2=6, 9×6 से ये डिवाइड हो रही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि यहाँ पे 9 के बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो पावर जुड़ के बनेंगी क्या, ये 5×5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7×5=12, 1×13 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 4×3=7, 1×8 हो जाएगा, और ये क्या आ गया, 18.30। माइनस करेंगे 9×6 जो 6 है, पावर ऊपर जाएगी, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12.30, 9×12.30। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिली, 24.60। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 12.3, जो कि इसकी हाफ है, मतलब ये डबल हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3×9 को भी हम अगर तोड़ दें, 3×2 में 3×2 और 12.30। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3×24.60 ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या आ रही है, 3, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला 3 इसका सही ऑप्शन होगा। तो उल्टा भी अगर पूछा जाए तो भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी, बस आप ध्यान रखिए कि सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सॉल्व हो ही जाएंगी। ठीक है, तो ये थे 10 प्रॉब्लम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसीलिए वीडियो लंबी हुई, क्योंकि हर एक स्टेप को डिफाइन किया है मैंने, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या सोचना है आपको। ठीक है, सोचना बस सीख जाएगी, क्या सोचना है, हर एक प्रॉब्लम को कैसे देखना है, बस आपके लिए प्रॉब्लम आसान होती जाएंगी, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम आएगी उस तरह की तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके लिए। तो अगर आपको इससे हेल्प मिलती है या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी बताइए कि इस तरह से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को तो ये प्रॉब्लम भी आसान होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।